सब सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि आप सबके जो कमेंट्स हैं वो देख करके मुझे लग रहा है कि बहुत से बच्चे वरिड हैं अपने रिजल्ट को लेकर के कि अब क्या होगा, कहीं लिखने के बावजूद हमें फिर से फेल ना कर दिया जाए। तो आप देखो सीबीएसई जो है वो हैशटैग सीबीएसई ट्रेंड कर रहा है, यानी कि आप लोग जो मॉडरेशन की बातें कर रही हो ना, अब वो सीबीएसई तक पहुँच गई है। कॉपी चेकर्स जो कॉपी चेकिंग हुई है उसमें क्लास 10th के रिगार्डिंग बहुत अच्छी बात ये है कि सारे बच्चे अब तक पास हैं, और जो कॉपी चेकर्स हैं उनको भी ये हिदायत दी गई थी कि भाई कोई बच्चा फेल होना नहीं चाहिए अनटिल अनलेस कॉपी खाली है। ठीक है, 10th में वैसे भी पास होना इज वेरी इजी क्योंकि आपको सिर्फ थ्योरी में 13 से 15 नंबर लाने होते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल में आपके भरपूर नंबर होते हैं। सो इस वजह से भी बहुत कम बच्चे 10th में फेल होते भी हैं, कंपार्टमेंट लगती भी है, और जिनकी भी लगती है उनका पास होना ईजी होता है। बस शर्त ये होती है कि यू हैव टू टेक अटेम्प्ट्स, उसके बाद तो एग्जामिनर विल मेक श्योर कि वो आपको नंबर दे दे। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि बहुत से बच्चे जो है उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया। अब ये मैं नहीं कहूँ कि 100 में 100 मतलब 100% स्कोर किया फिलहाल, लेकिन अच्छा स्कोर है और जो खबरें आ रही है उस हिसाब से अच्छा स्कोर भी, और कोई बच्चा 10th में अभी तक फेल नहीं हुआ है। क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में भी अभी तक फेल की खबरें नहीं आई हैं। हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि 12th में कुछ बच्चों ने कॉपी फिर से खाली छोड़ी है, बट एग्जामिनर फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि उन बच्चों को भी फेल ना करें। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि खाली कॉपी में कोई बच्चा पास कैसे होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने कॉपी भरी है 12th वालों ने भी। बेशक क्वेश्चन वाज हार्ड, बच्चे बता रहे हार्डर देन इवन सीबीएसई बोर्ड जो आपको एग्जाम हुआ था उसमें, लेकिन क्लास 12th में मैक्सिमम बच्चों ने अटेम्प्ट्स लिए हैं जो कि बड़ा जरूरी था। अटेम्प्ट लेने से क्या फायदा है ना, कि अगर मॉडरेशन भी लगना होगा तो वहाँ उन क्वेश्चंस पे लगेगा, आप लिखोगे तभी तो आपको नंबर मिल सकते हैं, इजंट इट? तो अटेम्प्ट के नंबर आपको तभी मिल सकते हैं। 12th वालों के लिए अगर 70 मार्क्स का पेपर था तो आपको 23 लाना था, और 80 मार्क्स का पेपर था तो आपको 26 लाना था। तो अगर आप ओवरऑल 70 वाले में 17-18 लाओगे तो एग्जामिनर्स का कहना है कि वो आपको खींच खाच के 23 तक तो पहुँचा देंगे। 26 में भी अगर आपने 19-20 का लिख दिया तो भी दे विल ट्राई हार्ड कि आपको 26 तक लेके जाएं, क्योंकि अगर आपने अटेम्प्ट लिया है तो आप पास होंगे। तो जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि आपने अटेम्प्ट लिया है बस एक क्वेश्चन छोड़ा है, ऐसे कई बच्चे हैं जिनके ये मैसेजेस हैं कि उन्होंने एक क्वेश्चन छोड़ा या दो क्वेश्चन छोड़ा, तो आप मेक श्योर करो कि आप पास हो जाओगे। वैसे भी सीबीएसई का ट्रैक रिकॉर्ड 90-95% पास रहा है फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम, है ना। और अब ये बर्डन सीबीएसई पे भी है कि अगर आप इस बार पास नहीं होगे तो फिर आप अगले साल प्राइवेट कैंडिडेट की तरह दोगे, तो सीबीएसई को भी ये चाहिए नहीं कि उससे बोर्ड का रेपुटेशन भी खराब होता है, क्योंकि सीआईएससी बोर्ड में आप देखो पासिंग परसेंटेज इज वेरी हाई, 99.98 इस तरह से पासिंग परसेंटेज होता है, उस रेस्पेक्ट में सीबीएसई का पासिंग परसेंटेज कम होता है। तो इस वजह से क्या है कि सीबीएसई पे भी बर्डन है, और जो बच्चे फेल हो गए उन बच्चों की तरफ सिंपैथी भी है कि ये बच्चे बेचारे अभी उस माइंडसेट में नहीं थे, ये वो बच्चे नहीं है बेसिकली जो टॉपर्स की कैटेगरी में जिनकी कॉपी में जहाँ जहाँ ढूंढ ढूंढ के नंबर काटे जाए, है ना। तो ये चीज़ें पता हैं, तो आपने अगर अटेम्प्ट लिया है तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि आप पास हो गए। कॉपी चेकिंग काफ़ी लीनियंट तरीके से की जा रही है, कॉपी चेकिंग में कहीं पर कोई ये नहीं हो रहा है कि आपने लिखा और आपको नंबर मिलेंगे नहीं। अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है आपके रिजल्ट बनने में, ठीक है, 10th को अगस्त तक रिजल्ट आपका आ जाएगा, क्योंकि सीबीएसई का ऑब्वियसली ये नोटिफिकेशन आ गई थी कि जब यूजुअली 20 दिन लगते हैं रिजल्ट के बनने में, लेकिन इस बार दे आर ट्राइंग कि 20 के बदले 10 दिन में आपका रिजल्ट आ जाए और कॉपी चेकिंग तरीके से हो। वैसे भी एग्जामिनर्स पे अभी इतना ज़्यादा बर्डन नहीं है क्योंकि कॉपी के नंबर्स कम है। पेपर हार्ड था तो अब देखो आपका हैशटैग सीबीएसई ट्रेंड कर रहा है, तो चांसेस बढ़ रहे हैं कि अगर जो सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट थे जैसे बायो में भी बच्चे बता रहे हैं 12th के, केमिस्ट्री में भी बता रहे हैं, फिजिक्स में भी बता रहे हैं, मैथ्स में भी बता रहे हैं, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन डिफिकल्ट था या सर्टेन क्वेश्चन जो कि अगर प्रॉब्लमेटिक था तो वहाँ मॉडरेशन आपको मिले, ठीक है। तो ग्रेस मार्क्स को लेकर तो श्योरिटी नहीं दी जा सकती है कि मिलेगी या नहीं, लेकिन अटेम्प्ट में वो अगर आपने अटेम्प्ट लिया है तो आप समझो कि वो ग्रेस ही है, वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे करके मिनिमम मार्क्स तक पहुँचा देंगे। और मॉडरेशन पॉलिसी तो देखो ग्रेस के साथ क्या होता है ना कि वो ऑफिशियली मेंशन नहीं होता, लेकिन मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई की साइट पे दिया है, देख सकते हो जो कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है वो कॉम्पनसेट किए जा रहे हैं। एम्बिग्विटी जो होती है अगर क्वेश्चन में मान लो कुछ गड़बड़ी है तो अगर आपने अटेम्प्ट लिया तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे उसमें, ठीक है। सेट अगर किसी का डिफिकल्ट है किसी का ईजी है तो वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जाती है, तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के मैसेजेस भी हैं यही कि मॉडरेशन लगे मॉडरेशन लगे,
और सीबीएसई तक ये पहुंच रहा है, इसीलिए आपका ये हैशटैग सीबीएसई ट्रेंड हो रहा है। तो आई विश एंड होप कि आपको मॉडरेशन मिल जाए और लगभग जो रिजल्ट है वो 95% से 100% हो और सारे बच्चे निकल जाएं, क्लियर हो जाएं और कोई बच्चा इस कंपार्टमेंट की कैटेगरी में अब फॉल ना करे फिलहाल। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, चैनल के साथ बने रहिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी वो आपको चैनल के माध्यम से जरूर मिलेंगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।